तो बोट का रग्बी प्लस मार्केट में लॉन्च हो गया है एंड काफ़ी अच्छा स्पीकर मेरे को ये लगा है। प्राइस बजट अगर हम देखेंगे इसका तो बहुत अच्छा है, बट बोट के और भी स्पीकर्स हैं जो आते हैं जो काफ़ी पुराने टाइम से चल भी रहे हैं। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बोट रग्बी प्लस का बोटस्टोन 1000 के साथ एंड जानेंगे प्रोज एंड कॉन्स एंड स्पेशली आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दोनों की स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोनों ही स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, दोनों में IPX रेटिंग का फ़र्क है। बोटस्टोन 1000 में आपको IPX 5 मिलता है, जबकि बोटस्टोन रग्बी प्लस में ना आपको लेटेस्ट मिलता है IPX 7। ड्राइवर टाइप बोटस्टोन 1000 में फुल रेंज ड्राइवर मिलता है, जबकि फेराइट मिलता है आपको बोटस्टोन रग्बी प्लस के अंदर। टोन 1000 में आपको 7.62 mm के दो ड्राइवर मिलते हैं, जबकि रग्बी प्लस में आपको 52 mm के दो ड्राइवर देखने को मिलते हैं। दोनों में ही 4 ओम की इम्पीडेंस देखने को मिलती है। सेंसिटिविटी बोटस्टोन 1000 में 80 dB प्लस इज इक्वल टू 3 dB मिलती है, जबकि रग्बी प्लस में आपको 800 mA मिलती है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोटस्टोन 1000 में 20 हर्ट्स टू 20 kHz मिलता है, जबकि रग्बी प्लस में आपको 60 हर्ट्स टू 18 kHz मिलता है। बैटरी में डिफरेंस है बहुत बड़ा, 3000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है बोटस्टोन 1000 में, जबकि 2000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है रग्बी प्लस में। हालांकि प्लेबैक टाइम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1000 क्लेम करता है 8 घंटे का प्लेबैक टाइम, जबकि रग्बी प्लस क्लेम करता है 7 घंटे का प्लेबैक टाइम। दोनों का चार्जिंग टाइम भी ऐसा ही 1 घंटे का डिफरेंस है। जैसा चार्जिंग टाइम बोटस्टोन 1000 में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, वैसा ही वो 1 घंटा ज़्यादा बैटरी बैकअप देता है, वैसे ही बोटस्टोन रग्बी प्लस में आपको 2 से 3 घंटे फुल हो जाता है। तो मतलब 1 घंटा कम लगता है बोटस्टोन 1000 के मुकाबले रग्बी प्लस को चार्ज होने में। स्टैंडबाय टाइम बोटस्टोन 1000 का 12 मंथ है, 12 मंथ मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड स्टैंडबाय टाइम बोट रग्बी प्लस का सिर्फ 5 मिनट है। अगर वो 5 मिनट में आपको सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जो कि बैटरी सेवर है और बहुत अच्छी चीज मेरे को लगती है। ब्लूटूथ वर्जन बोटस्टोन रग्बी प्लस में लेटेस्ट आता है 5.0, जबकि 1000 में बहुत पुराना है वर्जन 2.1 प्लस ADR है। हालांकि ADR होने से थोड़ा सा अच्छा रेंज मिल जाती है। दोनों चाइना में बिल्ट है, दोनों ब्लूटूथ डिवाइस कंपेटेबल है, दोनों की ब्लूटूथ रेंज ऑलमोस्ट 10 मीटर है, सेम है, 1 मीटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपको देखने को। रग्बी प्लस आपको स्प्लैश प्रूफ ज्यादा अच्छा मिलता है। एंड अगर मैं स्लोट्स की बात करूं तो रग्बी प्लस में आपको एक टाइप सी चार्जिंग स्लोट मिलता है, ऑक्स स्लोट मिलता है और एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लोट देखने को मिलता है, जबकि बोटस्टोन 1000 के अंदर आपको सिर्फ एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग स्लोट और एक ऑक्स केबल मिलती है। मतलब रग्बी में आप एक एसडी कार्ड एक्स्ट्रा लगा सकते हो। हालांकि ड्राइवर साइज बोटस्टोन 1000 का काफी बड़ा है एंड डेफिनेटली वो आपको बेस ज्यादा अच्छा देने वाला है रग्बी प्लस के मुकाबले, ये कि आप कॉल्स जो है वो रिसीव कर सको एंड उठा सको। बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही अच्छी है, हालांकि 2000 रुपये का, जबकि बोटस्टोन 1000 आता है अराउंड 2700 रुपये का, 2800 रुपये का, अब ये सेल में 2500 रुपये का भी हो गया था। पहले ये 3000-3500 ऐसे बिकता था, बट जब से दूसरे स्पीकर लॉन्च हुए हैं तो इसके प्राइस डाउन हो गए हैं ताकि इसको कंपनी निकाल सके। तो 2800 रुपये आप 1000 के लिए दोगे और 2000 रुपये आप रग्बी प्लस के लिए दोगे। अगर क्लियर कट कंपैरिजन है, अगर आपको बेस लवर हो, आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज़्यादा हैवी बेस चाहिए, तो डेफिनेटली आप बोटस्टोन 1000 जाओ, 800 रुपये और लगा के आप इसको अपग्रेड करो। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट चीज़ चाहिए ना, जिसमें आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो एंड आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, पोर्टेबल हो, आपको बेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपका बैटरी बैकअप भी अच्छा मिले एंड चार्जिंग स्पीड भी अच्छी हो, तो सब कुछ जिसमें लेटेस्ट चीज़ दी गई हो, तो आप रग्बी प्लस जाओ। इसमें आपको 800 रुपये ही बचेंगे, आपको लेटेस्ट चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आपको नहीं पता होता, जितनी अच्छी वायरलेस कनेक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी साउंड आपको स्पीकर में देखने को मिलेगी, जितनी बेकार ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होगी उतना बेकार आपको साउंड देखने को मिलता है, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दोनों में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है एंड दोनों में ही 15 दिन का इजी रिटर्न देखने को मिलता है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सा परचेज करना चाहते हो, क्योंकि बेसिकली सिर्फ है कि आपको आवाज़ ज़्यादा चाहिए तो आप बोटस्टोन 1000 लो, आपको आवाज़ का इतना मैटर नहीं है, बेस इतना ज़्यादा नहीं है, आपको क्वालिटी चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, डेफिनेटली आप रग्बी प्लस जाओ, पैसे ही बचेंगे, आपको लेटेस्ट चीज़ भी मिलेगी। सो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। बाकी अगर आपके पास दोनों में से कोई भी स्पीकर है तो हमारे साथ आप उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड जो भी हमारे चैनल पे ऑफर्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में उनकी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, आप वहां से जाके देख सकते हो। लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कोई भी कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।